गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स हेलो एवरी वन वेलकम टू आर टूडेज क्लास जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव से लेके फिफ्टी तक डिस्कस करने जा रहे हैं साथ ही साथ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे सो दैट द टाइम श्योर अभिषेक आशीष मुस्कान प्रवीण ज्योति रश्मि आप सब लोग का स्वागत है क्लासेस को हमेशा इन क्लासेस को 8 पी के क्लासेस को लाइव अटेंड करने का कोशिश कीजिए दिन भर के जितने सारे इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर्स निकल के आते हैं उसमें से अगर चार पॉइंट्स यहाँ आपको ध्यान रखना है तो ये चार पॉइंट्स कौन से होंगे पहले यहाँ के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आफ्टर दिस वी विल सॉल्व दी क्वेश्चन फ्रॉम 2019 के पच्चीस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे 30 सेकेंड्स के टाइमर के साथ तो यहाँ पे सबसे जल्दी आंसर करने का कोशिश कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन 2019 के एस से नहीं बनता है देन यू कैन आस्क योर डाउट्स आई टेक इट फ्रॉम द चैट बॉक्स एंड आल ट्राई टू आंसर दैन ओके ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो आज यहाँ पे सबसे जरूरी है पुलितर प्राइस के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा पुलितर प्राइस 2020 में जम्मू एंड कश्मीर से चार लोगों का तीन लोगों का टोटल यहाँ पे नाम आया है तीन लोगों का और ये तीनों जो है वो फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं ये लोग है दर मुख्तर खान एंड चन्नी आनंद यशीन दर मुख्तर खान और चन्नी आनंद इन तीनों लोगों को फोटोग्राफी के लिए पुलिजर प्राइस ट्वेंटी ट्वेंटी मिला है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा विष्णु पर्व फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स विष्णु सेंद्र पर्व ये कहाँ का पर्व है ये एक एनुअल हंटिंग फेस्टिवल है जो कि ट्राइबल्स मनाते हैं कहाँ के ट्राइबल्स झारखंड के ट्राइबल्स बेसिकली इसको मनाते हैं द ट्राइबल पीपल फ्रॉम झारखंड फेस्टिवल दिस एनुअल हंटिंग फेस्टिवल दे सेलिब्रेट दिस और इसके अलावा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के नेबरिंग स्टेट्स भी इसको सेलिब्रेट करते हैं जब भी हमने इंडियन इकोनॉमी का क्लास किया था वहां मैंने आपको द स्पेसिफिक केस ऑफ जीएसटी जहां जीएसटी नहीं लगता है जहां एक्साइज ड्यूटी लगता है स्पेसिफिक केस में लिक्वियर के बारे में बताया था अभी क्योंकि न्यूज में आपका बना हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि लिक्वियर में क्या लगता है एक्साइज ड्यूटी लिक्वियर में लगता है और जिस स्टेट में वो बिक रहा है वो स्टेट इसको कलेक्ट करता है उसके पास वो पैसा जाता है रशिया ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वॉट इज आर्टिका स्ट ऑफ इट्स काइंड सैटेलाइट जिसमें आर्टिक क्लाइमेट और एनवेंट इमरजेंसी को देखा जाएगा और इसके ऊपर फिर आगे सेटेलाइट के थ्रू मॉनिटर किया जा सकता है सो दीज आर द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पुलित प्राइस विष्णु सेंद्र पर्व और एनुअल हंटिंग फेस्टिवल एक्साइज ड्यूटी लिक्वियर स्टेट के पास जाता है और रशिया ने आर्टिका एम सेटेलाइट को बनाया है अगर ये चार बहुत ही सिंपल सा चीज यहां पे हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो अनएकेडमी प्लेटफॉर्म इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट प्लस इसके अलावा लाइव एग्जाम में हमेशा आपको मिलता है यूट्यूब सेशंस मेरे यूट्यूब सेशंस 8 पी एम को फिफ्टींथ ऑफ मे तक के मेरे सभी सेशंस 8 पी एम को होंगे इन सेशंस में हम लोग सीजीएल टू थाउजेंड नाइनटीन के मदद से सीजीएल टू थाउजेंड ट्वेंटी का प्रिपरेशन करेंगे और हर दिन यहाँ पे टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे तो इन सेशंस के लिए आप आज से लेके 15 तारीख तक रेगुलर शाम को 8 पीएम यूट्यूब पे आ जाइएगा अनएकेडमी लाइफ एस एस एग्जाम इन सेशंस का आपका जो पी है वो आपको अनएकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा तो एक बार सेशन को जल्दी से सब लोग यहाँ पे शेयर भी कर दीजिए इसके अलावा बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी होते हैं इसके लिए आपको सिंपली ये करना है आपको मेरा नाम सर्च करना है ए एन टी ए आर ए बी एच यू वाई ए एन आपको नाम सर्च करना है मेरे फ्री कोर्सेज आपको दिख जाएंगे जैसे कि साउथ इंडियन डिवर्सिटीज पे एक आप मेरा कोर्स है जिसको आप सभी लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं इसके अलावा स्पेशल क्लासेस भी होते हैं स्पेशल क्लासेस का मेरा टाइमिंग है हर वेडनेसडे हर वेडनेसडे सुबह 10 ए एम तो नेक्स्ट स्पेशल क्लास है 20 मे को नेक्स्ट स्पेशल क्लास है सुबह टेन एम को तो बीस में आप लोग टेन एम को के ऐप से या फिर पोर्टल से इन क्लासेस को कर सकते हैं ठीक है अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे हर एक क्वेश्चन के साथ 30 सेकेंड्स का एक टाइमर होगा इन 30 सेकेंड्स में आंसर देना है नहीं बनता है तो डाउट सेक्शन में आपको कमेंट सेक्शन में यहां पे पूछना है ठीक है ये YouTube पे है आशीष सिंह जो आपका कॉस्ट है ओके आई टेल यू अबाउट द कॉस्ट ऑल्सो

आने वाले एक साल तक अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते तो डाउनलोड कर सकते हो टेस्ट के लिए आप कर सकते हो सो ऑल इंक्लूडेड इन वन सिंगल थिंग ओके साथ ही साथ जितने एडुकेटर्स है ऑल द एडुकेटर्स ऑन दिन प्लेटफॉर्म ऑल दी एडुकेटर्स फॉर एग्जाम्पल आप एस का सब्सक्रिप्शन लेते हो एस के सभी एडुकेटर्स के क्लासेस सभी यूट्यूब चैनल्स के क्लासेस प्री के क्लासेस मेन्स के क्लासेस अभी रानी मैम और अभिनय सर का एक इंग्लिश प्लस मैथ्स का मेन्स का बैच चल रहा है मेन्स का क्लासेस एवरी थिंग यू कैन एक्सेस विथ वन सब्सक्रिप्शन बस एक कोड होता है फैकल्टी स्पेसिफिक मेरा जो कोड है वो है ए एन टी ए आर ए वन जीरो इससे आपको एक टेन परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और वन ईयर का फीस आपका बन जाएगा फाइव थाउजेंड हंड्रेड विथ टैक्सेस है ना जो फोर एट दिखता है वो विदाउट होता है तो ये टोटल फाइव फोर जीरो का आपका फॉर वन ईयर अवेलेबल जैसे कि मेरा नवंबर का है एक बैच जीएस फाउंडेशन कोर्स आप वो बैच भी देख सकते हो इवन इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन नाउ सो थिंग ठीक है आगे चले देर आर ई एम आई ऑप्शन देर आर फ्री ई एम आई ऑप्शन आगे चलते आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्विज थर्टी सेकेंड के टाइमर के साथ सब लोग आंसर करेंगे कुल चलिए स्टार्ट करते हुए नहीं हो रहा है इसका फोटो इसका वीडियो टाइमर का वीडियो नहीं प्ले हो रहा है ऐसा क्यों वाई सो वेट आई है वे आउट फॉर दिस कोई बात नहीं देर इज अनादर वे आई कैन स्टिल

जिनके साथ चंद्रगुप्त का मौर्य अभी मैं पेन नहीं चला सकते क्योंकि यहाँ पे लाइन में चल रहा है थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हो गया कोई बात नहीं फर्स्ट टाइम के लिए आंसर ऑप्शन नंबर फोर वेरी गुड सो करेक्ट आंसर धनानंदा दैट इज ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर अरे क्या बात है टाइमर चलेगा ना अभी चलेगा टाइमर लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यूज़ द पेन A foundation. Option number three. Option number three is the correct answer. That is your 1913. Let's see why. What is the reason? The reason is 31st March 1913, ko Gateway of India was built by whom? Was built by Apollo. Bandir, Bandir, ने इसको बनाया है, है? है ठीक जिनका नाम जॉर्ज विटेट. जॉर्ज विटेट इसके आर्किटेक्ट थे और फाउंडेशन स्टोन ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया वॉज द गवर्नर ऑफ बॉम्बे ड्यूरिंग दैट टाइम मार्च थर्टी फर्स्ट नाइन थर्टीन तो ये दो नाम याद रखिएगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर मॉडर्न इंडिया में बहुत कम है तो उसमें अगर एक दो नाम आ जाते हैं जैसे पार्लियामेंट किसने बनाया गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया तो उसको एक बार हमें ध्यान रखना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मीन्स मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स तीन आंसर जैसे ही आ जाएगा मेरे पास मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊंगी ठीक है एस एसन एज आई गेट थ्री आंसर ओके सो आई टेक केयर ऑफ दिस थ्री आंसर्स आप लोग दे दीजिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे मेरी मेकिंग फेस्टिवल ऑफ गॉड्स निम्नलिखित में से किसे कहते हैं दिवाली को कहते होते पोंगल को या फिर मकर संक्रांति को तो आप में से ज्यादातर लोगों को शायद पता होता है ना तो आपका आंसर क्या है बताइए आंसर फर्स्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन नंबर टू मनीष पुनिया इज राइटिंग गिविंग द फर्स्ट करेक्ट आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन नंबर टू दैट इज लाई हरोबा लाई हरोबा इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिल्कुल सही ठीक है मैं यहाँ पे फोन रख देती हूँ so that I can see your comments directly. Cool, okay. Next question में हम लोग आते हैं. What was India's position in the Brand Finance Nation Ranking in 2019? मतलब जबी भी ranking से related कोई report आएगा आपको ध्यान रखना है तुरंत से India का rank कितना आया? Brand Finance Nation Ranking 2019. First correct answer कब है? Third को fifth को seventh को sixth को So, उन्होंने बोला नाम बताइए ये आज का क्विज मेंटीपी नहीं है क्योंकि मैंटी बहुत कम लोग यूज कर पा रहे हैं फिलहाल तो देखते हैं फ्यूचर में सिक्स सेवेंथ सो आंसर हियर इज सेवेंथ इंडिया का रैंक कितना आया था सेवेंथ आया था आगे से ध्यान रखिएगा कभी भी इंडिया के रैंक से अगर आपको क्वेश्चन मिले इंडिया टू द सेवेंथ पोजिशन इन द ब्रेंड फिनेंस नेशन ब्रांड टू थाउजेंड नाइनटीन रैंकिंग ठीक है तो सेवेंथ पोजिशन पे हम लोग है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कॉम्पोनेट निम्नलिखित में से कौन सा है लेकिन एसिड है साइट्रिक एसिड है नाइट्रिक एसिड है या फिर एसिटिक एसिड है विनेगर का मेन कॉम्पोनेंट कौन सा है सो आई एम वेटिंग फॉर द फर्स्ट करेक्ट आंसर सबसे पहले थैंक यू सो मच विनेगर का सबसे प्रमुख इनग्रीडियंट इनमें से कौन सा है ऑप्शन नंबर फोर वैभव सिंह करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर दैट इज योर एसिटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लेफ्टिक एसिड कहां पाया जाता है लेफ्टिक एसिड एनी बडी लेफ्टिक एसिड रिमेंबर टू थिंग्स अगर लेफ्ट क्टोजेन तो बोले अगर लेक्टोजेन बोले तो वो पाया जाएगा इन केस ऑफ योर मिल्क तो वो मिल्क में पाया जाएगा और अगर लैक्टिक एसिड बोले तो फिर वो फॉर एग्जाम्पल आपका कर्ड वगैरह बन गया तो वहां पे पाया जाएगा ठीक है साइट्रिक एसिड जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आपका लेमन वगैरह हो गया वहां पे पाया जाता है साइट्रिक एसिड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका कर्नाटका के कौन से डिस्ट्रिक्ट में द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? मांडिया में उडुपी में हसन में या फिर कोडागु में तो ये कहाँ पे लोकेटेड है ये लोकेटेड है कर्नाटका में कर्नाटका में लोकेटेड है आपका ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो आंसर इज लेमन ऑरेंज ये सारे साइट्रिक फ्रूट्स हैं एस एस सी सी एच एस एल एक्सपेक्टेड एग्जाम कोई भी चीज जो एक्सपेक्टेड से एग्जाम डेट कैसे बता दे एग्जाम डेट का बिल्कुल टेंशन मत लेना एस एस सी ने सिर्फ इतना कहा है कि जब भी एग्जाम होगा तो हम तीस दिन पहले आपको बता देंगे तो क्यों टेंशन लेना तीस दिन पहले तो बता ही देंगे है ना और जुलाई से पहले तो कहीं से कहीं तक होता हुआ नहीं नजर आ रहा है ठीक है सो आंसर हियर इज कोडागो डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका इन कर्नाटका ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन कोड़ागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका और ये कहासली बैंगलोर साइड है कर्नाटका साइड है, है तो फिर ऑब्वियसली कहां हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिब्रेट निम्नलिखित में से कौन एक वर्टिब्रेट नहीं, नहीं है तो आप कौन है ये मोल्यूस्क है ये मोल्यूस्क फाइलम में आता है फाइलम मॉल्यूस्क में आता है और इसका जो क्लास है दैट इज योर द क्लास इज योर गैस्ट्रोपोडा गैस्ट्रोपोडा इसका क्लास है बताइए कौन है ये एसएससी के सभी क्वेश्चंस में आपको एक सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा ठीक है हो सकता है स्टेनोग्राफर में करंट अफेयर्स थोड़े कम पूछे बट यू विल फाइंड सिमिलैरिटी तो फिश इसमें तो रीढ़ की हड्डी साफ होती है मेमल्स ऑब्वियसली बर्ड्स यस वर्टिब्रेट्स सो द करेक्ट आंसर इज योर याद नहीं रहता है ज्यादा देर तक आ, रिवीजन, रिवीजन रिविजन की, है ना रिवीजन और माइंड मैप्स और छोटे छोटे ट्रिक्स तो स्नेल्स जो है वो एक मॉल्यूस्क है उसमें हार्ड कवर होता है ना ऊपर से स्नेल्स में तो वो एक मॉल्यूस्क है ठीक है उसका फाइलम क्या है मोल्यूस्क और उसका क्लास क्लास क्या है उसका क्लास है उसका गैस्ट्रोपोडा ठीक है और वो वर्टिब्रेट नहीं है नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज माधवपुर मेला सेलिब्रेटेड माधवपुर मेला इसी बार के लिए क्यों पूछा है क्योंकि इस बार 2000, Uh, 1920 का जो आपका मेला था उसमें सभी स्टेट्स ने सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उसने पार्टिसिपेट किया था उसमें अरुणाचल प्रदेश ने भी फर्स्ट टाइम के लिए पार्टिसिपेट किया था एज अ रिजल्ट ऑफ विच आस्क्ड यू अबाउट दिस रेगुलर अभी पंद्रह तारीख तक आपका रेगुलर क्लासेस यहां पे एट पी एम को ठीक है सो दैट इज वाई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन द आंसर इज फर्स्ट करेक्ट आंसर नहीं एनीबडी फर्स्ट करेक्ट आंसर अभी तक नहीं किसी ने फर्स्ट करेक्ट आंसर दिया है क्या बात है सुनील वर्मा वेरी गुड द फर्स्ट करेक्ट आंसर हियर इज दैट इज गुजरात में माधवपुर मेला इज सेलिब्रेटेड ऑब्जेक्ट दैट शाइन इन द नाइट स्काई रात के अंधेरे में आसमान में टिमटिमाते हुए वो कौन है बताओ रात के अंधेरे में आसमान में टिमटिमा मेटर मिट्योर मिट्योर टिमटिमाते हैं फर्स्ट करेक्ट आंसर इज फ्रॉम एडवर्ड वेरी गुड ऑप्शन नंबर टू दैट इज सेलेस्टियल बॉडीज और हेवेनली बॉडीज पर एक चीज यहाँ पे दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में वैसे तो एवरीथिंग दैट इज इन द नाइट स्काई दैट यू सी वो आपका सेलेस्टियल बॉडी हो सकता है बट द वन विच आर शाइनिंग द वन विच आर शाइनिंग एन ट्विंकल ट्विंकल दन विच आर ट्विंकलिंग ये भी क्या पता आगे पूछते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दो प्लेनेट्स टिमटिमाते नहीं है पता है ना आप लोग को पता ही होगा स्टार्स जो है वो टिमटिमाते हैं कुल cool. अच्छा अब आते हैं मिट्योरॉइट्स पे मिट्योर ये जो हमारे फियर में फॉर एग्जाम्पल कभी आ जाते हैं तो वहां पे माइनस एटी डिग्री सेल्सियस के से भी कम टेम्परेचर में ठंडा होके फिर ये अर्थ में एंटर कर सकते हैं तो दे कूल डाउन ज्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ एग्जिस्ट करता है मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट एग्जिस्ट करता है ओके सो टू इज द करेक्ट कॉन्सुलेशन इज ग्रुप ग्रुप ऑफ स्टार्स दिन वॉज ऑनर्ड विदिफ्टी दादा साहब फालके अवार्ड पचासवा दादा साहेब फालके अवॉर्ड निम्नलिखित में से किन्हीं मिला है अनुपम खेर कमल हसन नशीरुद्दीन शाह या फिर अमिताभ बच्चन फर्स्ट करेक्ट आंसर एक तो बेल्ट मतलब बेल्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके अलावा पूरे आसमान में पत्थर तो घूम ही रहे पत्थर के टुकड़े तो पूरे आसमान में घूम रहे है फॉलोइंग बच्चन इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स निम्नलिखित में से कौन सा ग्लैंड है जो कि लंग्स के पास आपका प्रेजेंट है ठीक है तो यहां से शुरू करके याद रखने का सीक्वेंस ध्यान रखिएगा यू हैव दाइपोथेलमस यू हैव द एंड यू हैव पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड ग्लैंड जिसे हम कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल ग्लैंड फिर जब आप थ्रोट के रीजन में आते हैं तो यहां पे एप्पल शेप हार्मोन मिलता है जिसका नाम क्या होता है थायराइड एंड पैराथायराइड और उसके बाद जब आप ये लंग्स के पास आते हैं लंग्स तो यहां है ना किडनी नीचे है यहां यहां तो लंग्स है तो लंग्स के पास जो आपको यहां पे होमोन मिलता है दैट इज योर सो फोर इज द करेक्ट आंसर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही थी तो मैंने फर्स्ट करेक्ट आंसर तो यहां पे नहीं देखा बट जिसने भी फर्स्ट करेक्ट आंसर दिया वेरी गुड द करेक्ट आंसर हियर इज थामस ठीक है पिट्यूटरी पीनियल नहीं है पिट्यूटरी किसका आंसर है पिट्यूटरी है मदर ऑफ ऑल ग्लैंड का आंसर सारे ग्लैंस की मम्मी बिकॉज दिस इज द ग्लैन विच कंट्रोल पीनियल दिस इज द स्मॉलेस्ट वन ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है हाइपोथेलेमस अपना ही चलता है और सारा टेम्परेचर रेगुलेशन बैलेंस वगैरह हाइपोथेलेमस करता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आर्कियोलॉजिस्ट आर नागास्वामी वॉज ऑनर्ड एट दिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्थ बाई विच कंट्री सिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्ट जो हुआ था इसमें आर रंगस्वामी को कौन से देश में हुआ था कौन से देश वालों ने इनको बुला के जो है यहां पर ऑनर्ड किया कौन सा देश वेरी गुड बांग्लादेश हैजनर्ड आर रंगस्वामी ठीक है ऑप्शन नंबर फोर ऑनर्ड एट दिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्थ इन ढाका बांग्लादेश वहां के कल्चरल मिनिस्टर ने ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हेन वी कट एन ऑनियन जब हम प्याज काटते हैं दी सिंथेस एंजाइम कन्वर्ट्स एसिड सल्फॉक्साइड्स ऑफ ऑनियन इनटू टू विच एसिड मैंने तो यहां तक अंधविश्वास किसी से सुना है कि प्याज काटने से आंसू निकलना इज अ गुड सिम्टम यू गेट मोर लव फ्रॉम योर फैमिली सो एनीस ऐसा कुछ नहीं है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एमाइनो एसिड्स है ना तो किसके वजह से सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेनिक एसिड साइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड वैभव सिंह ओके सो हु इज सब, सब लोग थर्टी अच्छा सर्वेश मिश्रा हैज गिवेन द फर्स्ट करेक्ट आंसर सल्फेनिक

ग्लैंड्स को स्टिम्यूलेट करता है एस ऑक्साइड या फिर प्रोपेनिथियल एस ऑक्साइड और इसी के वजह से आंसू निकलते हैं एज सिंपल एज दैट ठीक है सो टू इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन जनवरी 2020 होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज अ बुक कर्म योद्धा ग्रंथ दिस बुक इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ जनवरी 2020 में हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक किताब रिलीज किया जिसका नाम है कर्म कर्मोद्या तो कर्म किन्हें कहा है कर्म योद्धा ग्रंथ किनके ऊपर ये आपका ग्रंथ है या आपका पुस्तक है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जवाहरलाल नेहरू के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी फर्स्ट करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बाय प्रवीण वेरी गुड ऑप्शन नंबर वन ये बुक है आपका नरेंद्र मोदी जी के ऊपर थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे वेयर वॉज द नाइन्टी फिफ्थ एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस हेल्ड और वहां पर इंडिया से कौन जीते थे नाइन्टी फिफ्थ एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस कांग्रेस वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस और इंडिया से कौन जीते थे फ्रांस में हुआ था इंग्लैंड में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में या फिर बेल्जियम में फर्स्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम जरूरी नहीं है कि खुशी के आंसू सुने खुशी के आंसू सो देर कैन बी अदर रीजन एज वेल इंग्लैंड ऑप्शन नंबर टू आई सी अपोलो एंड आलोक आर टेकिंग ऑन ऑप्शन नंबर टू दैट इज इंग्लैंड विच इज दूटली करेक्ट आंसर कौन जीते मगेश चंद्रन मगेश चंद्रन फ्रॉम इंडिया नेक्स्ट देखिए बोरा केव्स बोरा केव्स आर सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया सो एटलीस्ट जो ऑप्शन में आप सोचिएगा वेस्टर्न घाट में से कम से कम वेस्ट कोस्ट में से मत सोचिएगा कम से कम ईस्ट से सोचिए ठीक है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स ठीक है तो ये कहाँ पे हो सकता है प्रोबेबली आंध्र प्रदेश में हो सकता है अरकू में हो सकता है है ना तो आंध्र प्रदेश में विशाखापटनम में अरकू वैली में यहाँ पे एक शिव मंदिर है ठीक है बताइए बोरा केव्स के अंदर यहां एक शिव मंदिर है तो वॉट इज करेक्ट आंसर नगारी हौसले नल्लामल हिल्स या फिर अनंतगिरी हिल्स वॉट इज करेक्ट आंसर आई कैन सी ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर फोर किसने लिया आलोक वर्धन इज राइटिंग ऑप्शन नंबर फोर हियर विच इज दूटली करेक्ट आंसर अनंत गिरी हिल्स कहां पे लोकेटेड है अनंत गिरी हिल्स अरकू वैली में लोकेटेड है विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विथ स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली एडोप्टेड अ न्यू लोगो कंसिस्टिंग ऑफ द नेशनल एम्बल दिल ऑर्किड एज द स्टेट फ्लावर तो कौन सा स्टेट का स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्किड है और किस स्टेट ने इसे अडॉप्ट किया है अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम त्रिपुरा दिन नौर्थीस्ट, स्टेट आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी और यहाँ पे ऑर्किड्स के बहुत सारे वेराइटीज है इनफैक्ट कोपो फूल कोपो फूल इज ऑल्सो वन ऑफ दर्किड्स ये फूल भी क्या है एक ऑर्किड्स में आता है विच इज वन ऑफ द ऑर्नामेंट्स दूसड इन बिहू अरुणाचल ऑप्शन नंबर थ्री मिजोरम भी कुछ लोग फर्स्ट यहाँ पे अच्छा आई मिस्ड हु गेव फर्स्ट करेक्ट आंसर हियर सो वन दैट इज अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन विंग्स इंडिया 2020 इज शेड्यूल्ड वो पहले का था अभी तो हो चुका है टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स निम्नलिखित में से कौन से एयरपोर्ट में विंग्स इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी विजयवाड़ा एयरपोर्ट राजमुंडी एयरपोर्ट वारंगल एयरपोर्ट या फिर बेगम पेट एयरपोर्ट लेट मी टेल यू दिस इज दैदराबाद एयरपोर्ट हैदराबाद एयरपोर्ट यू टेल मी द आंसर हैदराबाद एयरपोर्ट फर्स्ट करेक्ट आंसर हैदराबाद एयरपोर्ट बताइए ऑप्शन में से क्या होगा अभिषेक कुमार सिंह फर्स्ट करेक्ट आंसर वेरी गुड बेगम पेट एयरपोर्ट ज हैदराबाद एयरपोर्ट विंग्स इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी कभी कभी यह भी तो पूछा जाता है कौन सा स्टेट में कौन सा एयरपोर्ट उसमें भी हेल्प क्वेश्चन ट्वेंटी ऑर्गेनाइज ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट एस एन ट्वेंटी ट्वेंटी कौन से स्टेट में हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कौन से स्टेट में हुआ लिटरेसी रिस्ट इज वन ऑफ दाइएस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टेट बताओ

नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज़ प्रीवियसली नोन एज लेडी विलिंगडन पार्क निम्नलिखित में से किसे हम लोगों ने प्रीवियसली लेडी विलिंगडन पार्क कहा था मुगल गार्डन को कहा था डियर पार्क बुद्धा जयंती पार्क या फिर लोधी गार्डन इनमें से कौन से जो है आपके पहले लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था फर्स्ट करेक्ट आंसर ओके okay. अभी तक कोई फर्स्ट करेक्ट आंसर यहाँ पे आया नहीं है ऑप्शन नंबर फोर आलोक वर्धन अगेन फर्स्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर दैट इज लोधी गार्डन इज द करेक्ट आंसर फोर्टी फाइव का आंसर फोर यहां पे बिल्कुल सही है नेक्स्ट देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ज्वाइन हैथ विच इंस्टीट्यूशन इन टेकिंग अप प्रोजेक्ट इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ में विच आई आई टी आई आई टी मद्रास आई आई टी बॉम्बे आई आई टी डेली आई आई टी कानपुर रोहित कुमार एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर फोर दैट इज आई आई टी कानपुर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं शत्रु नाम तो सुना ही होगा सबसे पहले पितृहंता पित्र ने इन्हें कहा जाता है अपने फादर को ठीक है किल्ड हिज फादर अजात शत्रु रूलर ऑफ हरियाणा डिनेस्टी एंशियंट इंडिया वॉज सन ऑफ बताओ हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अजात शत्रु किनके बेटे थे जिनके समय पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो किनके बेटे थे फर्स्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आई कैन सी रश्मि सिंह बिल्कुल सही बीम के बेटे थे अजात शत्रु ऑप्शन नंबर वन दिस इज अ सुपर वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन पॉसिबल फ्रॉम विच वन एंशियंट इंडिया बाकियों पे क्यों लगा रहे हो पहले बिंबिसार आए फिर अजात शत्रु आए उसके बाद उदाइन उसके बाद नागदशक दिस इज द सीक्वेंस नेक्स्ट क्वेश्चन विच लॉ ऑफ फिजिक्स स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस लेट देम बी क्यू वन एंड क्यू टू फोर्स द टू इलेक्ट्रिक रिड्यूस टू अटर वैल्यून मतलब क्यू टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस यही बोला है ना तभी ये रेशियो निकल के आएगा दोनों के बीच दिस इज इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू यहाँ पे दिख रहा है फोर्स इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्र वॉट इज द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या है दिस इज कुल्स कॉन्स्टेंट ओके नाइन इंटू टेन रेस्ट टू दावर नाइन आंसर क्या हैुड द करेक्ट आंसर हियर इज योर दिस इज नथिंग बट योर कुलॉम्स लॉ कुलॉम्स लॉ दे कैन आस्क यू कभी कि ये इसमें जो ये के है ना कुलॉम्स कॉन्स्टेंट इसका वैल्यू बता दीजिए तब ध्यान रखिएगा नाइन इंटू टेन रेस्ट टू द पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इन स्टेट हैज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के वी आई सी ओपन दस्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट तो कभी भी खादी ग्रामोद्योग है ना या फिर फर्स्ट प्लांट करंट अफेयर्स में आए रैंक ऑफ इंडिया करंट अफेयर्स में आए फेस्टिवल्स करंट अफेयर्स में आए तो सबसे पहला, क्या फेमस है सिल्क साड़ीज क्या कहते हैं हम इनको जैसे हम लोग कहते हैं कि आसाम सिल्क मुगा सिल्क होता है ठीक है या फिर पाथ सिल्क होता है देनवी से तमिलनाडु सिल्क वट डू यू कॉल दिस गुजरात का सिल्क का सारीस यू कॉल इट पटोला पटोला वॉट इज पटोला गुजरात सिल्क सारीस पटोला ठीक है पटोला सारीस ओके आगे चलते लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज पच्चीस क्वेश्चन हर दिन हू बिकेम दर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द टोकियो ओलंपिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी हॉस्ट्रीस इसके लिए पहले इंडियन टोक्यो ओलंपिक 2020 लेकिन अभी तो कोविड सिचुएशन है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग बट स्टिल अमर सरीन मिर्ज़ा अमित या फिर सेजस सिंह विक व्हाट इज योर आंसर कौन यहाँ पे सबसे पहले इसका आंसर दे दीजिए और हम लोग तब तक फटाफट से यहाँ पे एक बार फिर से जो है करेंट अफेयर्स, ठीक है सो लास्ट क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स क्विकली रेप प्राइस 2020 मिला है टोटल से तीन लोगों को जम्मू एंड कश्मीर से तीन लोगों को ठीक है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से तीन लोगों को पुलित प्राइस ट्वेंटी किस लिए मिला है फोटोग्राफी के लिए फोटोग्राफी के लिए मिला है यशींदर मुख्तर खान एंड चन्नी आहमेद सॉरी चन्नी आनंद चन्नी आनंद फोन लेते से नेक्स्ट आते हैं फेस्टिवल पे आज के दिन का फेस्टिवल क्या याद रखेंगे विष्णु सेंद्र पर्व विष्णु सेंद्र पर्व किस चीज का पर्व है ये एनुअल हंटिंग फेस्टिवल है जो कि झारखंड में होता है इसके अलावा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में भी मनाया जाता है बट प्राइमरीली फ्रॉम झारखंड लिक्वियर का पैसा किसको जाता है ये एक्साइज ड्यूटी जाता है स्टेट गवर्नमेंट तो, तो स्टेट का मर्जी है कि हम सत्तर परसेंट और लगाएंगे ठीक है अच्छा है और ज्यादा यहाँ पे स्टेट को रेवेन्यू जनरेट होगा एक्साइज ड्यूटी से रशिया ने सबसे पहले यहाँ पे आर्टिका आर्टिक क्लाइमेट और एनवायरमेंट इमरजेंसी को ध्यान रखने के लिए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड काइंडलाइट बनाया है जिसका नाम है आर्टिका तो आज के लिए बस इतना ही आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया हो अगर पसंद आया है तो ये क्लास कशिश हर दिन जो है चलता है 8 पी एम को टिल 15th ऑफ मे टिल 15th ऑफ मे ये क्लासेस 8 पी एम को होंगे उसके बाद मैं आगे आपको अपडेट कर दूंगी रोज यहाँ पे 8 पी एम को आ जाइएगा सेशन पसंद आया तो लाइक करते हुए जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना ओके okay? चलो थैंक यू सो मच एवरी टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट बाय बाय